तो ये लीजिएगा भाई, आ गया मैं आज फिर आपसे। कल वादा किया था कि एक और आर्टिकल लेकर आऊंगा, जिस आर्टिकल में आपको बताऊंगा ये मौलिक कर्तव्य में पहले से शामिल नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया। तो जोड़ा गया तो एक बार आपको मैं यहीं पर रिवीजन करा देता हूं, क्योंकि आज के बाद मौलिक कर्तव्य का टॉपिक खत्म हो जाएगा। एक्चुअली पहले से हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था, इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया। और कहां जोड़ा गया? संविधान के भाग नंबर 4A में। और जब इसे जोड़ा गया था तो 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य हमारे नागरिकों को दिए गए थे। फंडामेंटल ड्यूटी कितने प्रकार की थी? 10 प्रकार की थी। आज वर्तमान में कितने प्रकार की है? वर्तमान में 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य हैं। और आज हम 11वां पढ़ेंगे, ये बाद में जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। एक बात याद रखेंगे, ये जो मौलिक कर्तव्य हैं ये बेटा यूएसएसआर से लिए गए हैं, प्लस सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इन्हें जोड़ा गया है। किनकी सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इन्हें जोड़ा गया था। वर्मा समिति का संबंध भी किससे है? मौलिक कर्तव्य से। तो आइएगा आर्टिकल देखते हैं। हमारा जो आज का आखिरी आर्टिकल है कौन सा है? टा नंबर का मौलिक कर्तव्य, 11वां मौलिक कर्तव्य। हमें कहता है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, क्या कर्तव्य होगा? यदि माता पिता या संरक्षक, यानी कि अभिभावक, जिसके मम्मी पापा नहीं है और किसी ने गोद ले रखा है, या चाचा चाची उस बच्चे को अपने पास रख रहे हैं, संरक्षक है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करेगा। मैंने अपने घर में किसी व्यक्ति को रखा, उसकी संतान हो गई और गरीब आदमी था, हमारे रोटी पर, हमारे दिए हुए अनाज पर वो जी रहा था, तो उसका जो बच्चा होगा उसे भी हम पढ़ने का अवसर प्रदान करेंगे। यहां पर जो टाइम दिया गया है 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को पढ़ने का अवसर दें, हमारा कर्तव्य है, मम्मी पापा का या फिर अभिभावकों का कर्तव्य है कि वह बच्चे को पढ़ने का अवसर दें। कब? 6 से 14 वर्ष तक की उम्र में उन्हें भेजें, उन्हें स्कूल भेजें, यह इनका मौलिक कर्तव्य है। और मौलिक अधिकार ऑलरेडी अनुच्छेद 21 में बच्चे को दिया जा चुका है कि अगर आपकी उम्र 6 से 14 साल है तो आप स्कूल आओ, हम आपको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से नवाजेंगे। और आज यहीं तक, कल से भाग 5 यानी कि संघ, और हम चर्चा करेंगे भारत के राष्ट्रपति वाले टॉपिक की। तो मुझे दीजिएगा आज्ञा, बेसब्री से इंतजार कीजिएगा और मैं वादे के तहत जरूर मिलूंगा रात 9 बजे। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा आज्ञा, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम।